नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले देश के तमाम लोगों की निगाहें अब उन नामों पर लगी हुई हैं जिन्हें आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में ऐसे कई राज्यपाल हैं जो उम्र के लिहाज से वयोवृद्ध तो हो ही चले हैं और अब काम करने योग्य भी नहीं बचे हैं। ऐसे में उनके विकल्प की तलाश शुरू कर दी गई है। कई राज्यपाल ऐसे भी हैं जो लगातार विवादों में फंसते रहे हैं, इसलिए सरकार की ओर से अब उन्हें भी विराम देने की तैयारी है। कुछ और नए नाम सामने आने बाकी हैं। वहीं उम्र की अधिकता देखते हुए आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल EL नरसिम्हन को आराम दे दिया गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, उत्तराखंड के पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कैलाश जोशी, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, भाजपा के वरिष्ठ नेता बंडारू दत्तात्रेय आदि नेताओं का नाम जल्द ही किसी न किसी प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नामित होने वाला है। वहीं यूपी के राज्यपाल राम नाइक, गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, नागालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य को आराम देने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और RSS में राज्यपाल यानी गवर्नर के पद को लेकर अब लॉबिंग तेज हो चुकी है। भाजपा से जुड़े कई नेताओं को उप राज्यपाल भी बनाए जाने की खबर है। आपको यह जानना चाहिए कि भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। इनमें से दिल्ली और पुडुचेरी में उप राज्यपालों की नियुक्ति होती है, जबकि बाकी दूसरे संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक बहाल किए जाते हैं और पूर्ण राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो इसे शेयर करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।